अपनी गलतियां को किसी दूसरे के ऊपर उछाला जाता है। और गांव के सीधे साधे लोग अय्याशीपूर्ण जीवन जीने वाले लोग के चपेट में किस तरह आ जाते हैं। बस आखिरी अंक में भी आपके सामने उजागर हो जाएगी। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए मुखिया जी। रागा अब तुम मेरे कोई काम का नहीं, अब तुम चलो जेल में ही चक्की पीसना। हरि नारायण दा, अगर तुम नेता हो तो मैं गुंडा हूं। अगर मैं किसी तरह से जेल से निकल गया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धमकी दे रहे हो क्या रे? मेरे पैसे पे तुम जो काम करता था और हम इसे पाना लेते हो? झूठ नहीं, ये हकीकत बोल रहा हूं मुखिया जी। जैसे जैसे तुमने अच्छाई का नाम नहीं लेने से पंचायत में बताया था, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में कैद है। क्या उस सब का रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, कैद है। अरे पहले तू बताया रहता, तू पागल है गधा। अरे बताया रहता तो तुझे पुलिस स्टेशन क्यों ले जाते? अब चलो आ ही गया तो चलते हैं। मैं तो मरूंगा ही लेकिन तुम्हें भी मारूंगा। मैं पुलिस को बता दूंगा कि रांगा जबरदस्ती एक आदमी का मर्डर करके भाग रहा था, उसी समय उसी चक्कर में मैंने इसे गोली मारा है और तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मारो गोली मारो। पुलिस के डंडे खाने से पहले यह है कि मैं गोली खा के मर जाऊंगा। रंगा किसी को भी मंगा कर सकता है।